बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकबर है, आप देख रहे हैं टेक्निकल अकबर यूट्यूब चैनल। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है, जब हम अपने जीमेल अकाउंट को रिकवर करते हैं, वहां पर यानी कि टू स्टेप वेरिफिकेशन भी करते हैं, उसके बाद हमें एक मैसेज टू स्टेप वेरिफिकेशन का सेम आ जाता है कि जो हमारी ईमेल है वो सेम प्रॉब्लम हमें शो हो जाती है। यहाँ पर मेरी जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ सबसे पहले तो शेयर करते हैं। मुझे अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड याद नहीं था, मैंने इसको फॉरगेट के लिए रिप्लाई किया। यहाँ पर हमें टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, हमने टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए भी रिप्लाई कर दिया। यहाँ पर वो सेम नंबर देना है जिसके एंड पे 13 है, मैंने वो अपना नंबर भी यहाँ पर टैप किया। जैसे ही मैंने अपना वो नंबर यहाँ पर टैप किया आपके सामने, तो यहाँ पर एनी वन टाइम एक OTP कोड हमारे नंबर पर रिसीव होता है। वो जैसे ही हमें यहाँ पर रिसीव होता है तो यहाँ पर हम उसको आपके सामने पुट कर लेते हैं। जैसे ही आपके सामने हमें थोड़ा सा वेट करने के बाद OTP कोड रिसीव हुआ और उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लिया। आपके सामने हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप ओपन हुआ, तो यहाँ पर देखें गूगल अकाउंट रिकवरिंग, यानी कि यहाँ का जो जीमेल अकाउंट मैंने यहाँ पर लगाया वो सेम जीमेल अकाउंट, यानी कि वहाँ पर भी हमें कहा जा रहा है कि आपके जीमेल अकाउंट पर हमने वेरिफिकेशन कोड भेज दिया। भाई जान, जब हमारे अकाउंट में यानी कि जो ईमेल है वो लॉग इन ही नहीं हुई, तो अभी हमें जो पासवर्ड है वो कैसे रिसीव होगा? ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करने की नज़र आई। बहुत सारे दोस्तों के मुझे मैसेज भी आ रहे हैं, भाई इसके बाद हम क्या करें। इसका जो प्रॉपर मेरे पास ना तीन ट्रिक है, वो तीन ट्रिक आपने अप्लाई करनी है। कोई भी आप ट्रिक वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अदर यानी कि एक्टिविटी होती है, अगर तो आप अदर एक्टिविटी, ये आता दरअसल प्रॉब्लम ये किस वजह से आ रही है भी आपके साथ शेयर कर दें। अगर आप ट्राई अदर पर क्लिक करते हैं तो आपने अगर तो कोई और टू स्टेप वेरिफिकेशन दिया हुआ तो आपको शो होगा, अदरवाइज नहीं दिया तो आपको यहाँ पर नहीं आएगा। इसका मैं बेहतरीन यानी कि वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, आपको इसका शॉर्ट हाल बताता हूँ। तो एक मेरे पास ट्रिक ये है कि आपने याद रखना है, जो आपने अगर तो आपका एक ही जीमेल अकाउंट था, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे, आपके पास एक ही जीमेल अकाउंट लॉगिन था। अगर तो आपके पास दो जीमेल अकाउंट लॉगिन थे तो उस टाइम आप एक और आपका सलूशन है उसी वीडियो इसी वीडियो में। तो अगर आप दो जीमेल अकाउंट इस्तेमाल कर रहे थे अपने मोबाइल फ़ोन में, अगर आप एक ही कर रहे हैं उसका क्या हल है वो आपको वीडियो मुकम्मल तौर पर देखें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। ये दरअसल आपको प्रॉब्लम फेस किसके लिए नज़र आती है, यहाँ पर आपके सामने मेरे पास ना दो जीमेल अकाउंट लगे हुए हैं, वहां पर आपको आकर इसकी सलूशन प्ले स्टोर मैंने ओपन किया। प्ले स्टोर पर यहां पर मेरी जो ईमेल लगी हुई है, मैं इसको करूंगा ओके। यहां पर आपके सामने ईमेल हमारी लगी हुई है, इसको हम यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने योर गूगल अकाउंट। आपने मैंने योर गूगल अकाउंट पे आ जाना है। जब मैंने योर गूगल अकाउंट पे आएंगे, जब आपके दो जीमेल अकाउंट लगे हैं तो आपने मैंने योर गूगल अकाउंट में आना है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके स्कोटी पर आना है, स्कोटी पर। अगर तो आपके मोबाइल फ़ोन में दो जीमेल अकाउंट इस्तेमाल कर रहे थे, मल्टीपल आप अकाउंट इस्तेमाल कर रहे थे, अगर अदरवाइज आपने मल्टीपल अकाउंट भी नहीं यूज़ किए, एक ही आपके पास अकाउंट था, इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो ये दरअसल प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें टू स्टेप वेरिफिकेशन हमारा ऑन होता है। यहाँ पर जो आपने रिकवर ईमेल दी होती है, आपने वही रिकवर ईमेल यहाँ पर आप दे देते हैं। बहुत बड़े दोस्त गलती ये करते हैं कि जो आपकी मेन जीमेल है, यानी कि ये जो जीमेल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यही आप रिकवरी में भी डाल देते हैं। भाई रिकवरी में जब आप कैसे डाल देते हैं, रिकवरी में आपने ये ईमेल कभी हरगस नहीं डालनी। तो इसका आप सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। नीचे आए, यहाँ पर आप देखें, मैं अगर मैंने यहाँ पर लिखा पासवर्ड मैनेजर, एक तो सोल्यूशन आपके पास ये है कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन में मल्टीपल एप्लीकेशन यानी कि जीमेल अकाउंट लगा हुआ था, अगर मल्टीपल जीमेल अकाउंट लगा हुआ तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर देखें गूगल अकाउंट, मैंने 11 मल्टीपल अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ किए हैं, 11 मल्टीपल जीमेल अकाउंट, यानी कि मुख्तलिफ दोस्तों ने मुझे जीमेल भेजा, मैंने उनको रिकवर किया या आपका तरह सोल्यूशन किया। तो अगर मज़ीद डिटेल चाहिए तो इंशाल्लाह मैं बेहतरीन वीडियोज़ आप मेरी ट्विटर से भी इनके जो बात हो रही है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। गूगल अकाउंट पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर स्क्रीन एक दफ़ा ब्लैक होगी और उसके बाद आपके सामने ये देखें हमारा मोबाइल नंबर है, जो मैं जीमेल अकाउंट अक्सर मोबाइल नंबर पर भी होती है, मोबाइल नंबर है, उसका पासवर्ड नीचे शो हो रहा है। तो इसी तरह ये देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करें, ये एक जीमेल है उसका पासवर्ड नीचे शो हो रहा है, ये भी एक जीमेल है उसका पासवर्ड भी नीचे शो हो रहा है, जे जीमेल है उसका पासवर्ड नीचे शो हो रहा है। ये मुख्तलिफ जीमेल हमारे मोबाइल फ़ोन में लगी हुई होती हैं, यानी कि आपने डिलीट भी कर दी है ना, तो फिर भी आपका ये डेटा यहाँ पर सेव होता है। यहाँ पर इस पर क्लिक करके अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड देख लेते, एक तो ट्रिक ये है। दूसरी ट्रिक आपके साथ मैं ये शेयर करूँगा कि आप आएँ ट्विटर पर आ जाए।
ट्विटर पर आएँ, आप उसकी दो स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके आपने ट्विटर पर आना है। ट्विटर पर आप जैसे ही आएंगे, ट्विटर अकाउंट अगर आपको बनाना नहीं आ रहा है, आपने ट्विटर अकाउंट अपना मोबाइल फ़ोन में क्रिएट करना है। उसके बाद ट्विटर अकाउंट मैंने ओपन कर लिया, ट्विटर अकाउंट में आपने क्या करना है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ से आप उनसे लाइव बात कर सकते हैं यूट्यूब टीम से, वहाँ पर भी आप, यहाँ पर मैं कंटिन्यूज़ कर देता हूँ। कंटिन्यूज़ क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, प्लस के आइकन पर क्लिक करें। यहाँ पर प्लस का आइकन फिर आपको शो हो रहा है, प्लस के आइकन पर क्लिक कर लें। यहाँ पर आपने जीमेल यानी कि यूट्यूब को मेल करनी है, तो उसके लिए आपने स्लैश को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप जैसे स्लैश यहाँ पर लगाएंगे, अगर आपने डायरेक्ट करना है यूट्यूब को तो आप यहाँ पर लिख कर भी सर्च करते हैं सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने लिख लेता हूँ, यूट्यूब क्रिएटर आप लिख लें। यूट्यूब मैंने ऑलरेडी क्रिएटर लिखा हुआ है, यूट्यूबर ने यहाँ पर आप देखें यूट्यूब क्रिएटर। जब आप ये लिखेंगे यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना, यूट्यूब पर आके प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। इनके ऑफिशियल पेज है ये देखें, या आप स्लैश यूट्यूब क्रिएटर लिखें। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम, आपने क्या प्रॉब्लम लिखनी है कि आज मैं आपको लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। आपको यहाँ पर आपने लिखना है कि जब हम टू स्टेप वेरिफिकेशन अपना डन करते हैं अपने मोबाइल नंबर पर, एनी वन यानी कि व्हाट, जब हमारा सेम ईमेल टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए भी हमें कहा जाता है कि व्हाट हमारे मोबाइल में लॉगिन नहीं है, जिस वजह से हम अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उसकी आपने यहाँ से एक स्क्रीनशॉट जो है वो स्क्रीनशॉट जो आपने लेनी है वो यहाँ पर आपने लेनी है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर दें, सेम वही पहले आप टू स्टेप वेरिफिकेशन की दें जो आपने मोबाइल नंबर से किया। ये देखें यहाँ पर आपने इसको, यहाँ पर सेम जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आपने लिख देनी है, ये हमारी प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैं भी आपके सामने अभी लिखने लगा हूँ, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है हाई यूट्यूब टीम गूगल अकाउंट रिकवर टू स्टेप वेरिफिकेशन सेम ईमेल प्रॉब्लम, यानी कि हमारे सेम ईमेल पर प्रॉब्लम आ रही है, वह टू स्टेप वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर से डन है, यानी कि हम मोबाइल नंबर से ओके हैं, यानी कि जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो सेम ईमेल पर आ रही है। तो यहाँ पर हम ट्वीट कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे ट्वीट। यहाँ पर अभी हमने यूट्यूब की टीम को हमने एक ट्वीट कर दिया। थोड़ा सा वेट करने के बाद, यानी कि आपको 4 घंटे 5 घंटे के बाद यहाँ पर देखें सेंड ट्वीट हो गया, उसी टाइम हमें इनकी तरफ से रिप्लाई आ जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर होगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब करके आपने ये करना है कि इसकी जो प्ले लिस्ट है, हो सकता है आप वीडियो 1 साल 2 साल बाद देख रहे हों, तो वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर लगा दूँगा जैसे ही उनका जवाब हमें रिप्लाई आता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है।